हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 9 के एक्सरसाइज 10B के एग्जांपल नंबर 3 को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, इन दी एडजोइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हुज डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 28 डिग्री फाइंड एंगल ओ बी सी। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके डायगनल पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास एंगल ओ ए बी, ओ ए बी की वैल्यू गिवन है 28 डिग्री, तो हमें पूछा है ओ बी सी की डिग्री, यानी कि ये एंगल हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि जो डायगनल रेक्टेंगल के जो डायगनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं दूसरे को। तो ये भी लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन लिखेंगे डायगनल ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो जो इसके अपोजिट वाले एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये भी लिख लेते हैं एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ओ ए बी है 28 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एंगल सी बी ए, सी बी ए जो कि है 90 डिग्री, और देखते हैं कि एंगल सी बी एम सी बी ए में कितने एंगल आ रहे हैं। तो सी बी ए में दो एंगल आ रहे हैं, एक हो जाएगा सी बी ओ और एक एंगल हो जाएगा ओ बी ए, ठीक है। चलिए ये दोनों एंगल भी लिख लेते हैं, यहाँ पर एंगल एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ बी ए, ठीक है। तो एंगल सी बी ए हो जाएगा, सी बी ओ की वैल्यू कितनी है, सी बी ओ की वैल्यू हमें निकालनी है, ओ बी ए की वैल्यू है 28 डिग्री, सी बी ओ को इसी तरह रहने देते हैं, सी बी ए की वैल्यू है 90 डिग्री और एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 28 डिग्री। इसका साइड चेंज करते हैं, सी बी ओ इज इक्वल टू 90 माइनस 28, ये हो जाएगा 62 डिग्री। हमसे यही पूछा गया था, सी बी ओ बोलो या फिर ओ बी सी बोलो, बात एक ही है। तो इसे हम अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं एंगल ओ बी सी। थैंक यू।